क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंडिडेट्स वो अपीयर फॉर द डिफरेंट जॉब्स इन बैंक। जो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ टेबल प्रिपेयर करना है। इनसे पहले हम लोगों ने दो क्वेश्चन काउंट किए थे, ओनली टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थी। इस बार थ्री एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है, डेजिग्नेशन दैट इज मैनेजर, क्लर्क, कैशियर एंड प्यून। तो ये लिख लिया हम लोगों ने उसकी पोस्ट, मैनेजर, क्लर्क, कैशियर, प्यून। मैरिटल स्टेटस वो है मैरिड, अनमैरिड। अगर नॉर्मल टेबल होता तो हम क्या लिखते हैं, मैरिड, अनमैरिड और टोटल करके थ्री कॉलम में कंप्लीट कर लेते हैं, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन और टू में किया था। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा एक कैलकुलेशन है, जेंडर, मेल फीमेल वाला। तो मैरिड मेल भी हो सकता है, मैरिड फीमेल भी हो सकती है, उसका टोटल करो। अनमैरिड मेल फीमेल टोटल, फिर टोटल में भी मैरिड अनमैरिड टोटल मेल, मैरिड अनमैरिड टोटल फीमेल एंड फाइनल टोटल। तो इसी तरह अगर थ्री टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो आपको पहले तो जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है वो ऐसे ही लिख दी फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड में मैरिड अनमैरिड टोटल थ्री कॉलम तो क्रिएट की, सभी थ्री कॉलम्स में इंडिविजुअल थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जेंडर मेल फीमेल, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव है, जिसमें आप लोगों को इसी तरह का कैलकुलेशन समझना होगा। तो टेबल एकदम क्लियर रखो, थ्री टाइप इंफॉर्मेशन हो तो जो इंफॉर्मेशन ज्यादा हो उसे फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड में मैरिड अनमैरिड टोटल कैंडिडेट्स थ्री कॉलम क्रिएट की, इस तीनों ही कॉलम में इंडिविजुअली थ्री पार्ट्स हम लोगों को कैलकुलेट करने होंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलते हैं। नंबर फोर, आउट ऑफ टोटल 1850 वुमन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, 549 वेर रेसिडेंट्स इन लेबर एरिया। आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया 250 हैड एक्सपीरियंस एंड 93 वेर इनएक्सपीरियंस्ड। द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन इनएक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम अदर एरिया वेर 87,400 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन में आप लोगों को ये तो मालूम पड़ी गया कि मैरिड अनमैरिड वाला चैप्टर है, और सॉरी मैरिड अनमैरिड वाला एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, लेबर एरिया एंड अदर एरिया वाला कैलकुलेशन भी करना है, एंड एक्सपीरियंस एंड नॉट एक्सपीरियंस सभी को मिलाकर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने इसी तरह पहले तो एक टेबल क्रिएट किया है, एरिया ऑफ रेसिडेंस में लेबर एरिया अदर एरिया एंड टोटल। मैरिटल स्टेटस देख लो तो मैरिड अनमैरिड टोटल, और मैरिड अनमैरिड टोटल में भी मैंने थ्री इंडिविजुअल पार्ट्स बना लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन में थ्री टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल थे। चलो प्रॉपर क्वेश्चन रीड करना है और उसके साथ कैलकुलेशन भी लिखना होगा। चलो क्वेश्चन में आते हैं। आउट ऑफ टोटल 1850 वुमन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो टोटल नंबर ऑफ वुमन कितनी है, टोटल वुमन, तो लास्ट कॉलम में लिखेंगे हम 1850 वुमन अवेलेबल है, जिसमें से 549 वेर रेसिडेंट्स इन लेबर एरिया। तो लेबर एरिया में टोटल कितनी, 549 वुमन से, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, 1301। अब क्वेश्चन आगे बढ़ो, आउट ऑफ टोटल अनमैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया, आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन, आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया 250 हैड एक्सपीरियंस, 93 वेर इनएक्सपीरियंस। तो मैरिड वुमन यानी कि इस कॉलम आने वाला है, इस कॉलम में भी क्लियर किया गया है कि लेबर एरिया में, इसका मतलब फर्स्ट लाइन में ही 250 वेर एक्सपीरियंस। तो मैरिड, लेबर और एक्सपीरियंस में यहां लिखा मैंने 250, 93 वेर इनएक्सपीरियंस, तो इसका टोटल कितना रहेगा, 343। उसके बाद जो यहां तक हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, आगे द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम अदर एरिया वेर 87,400 रिस्पेक्टिवली। अदर एरिया में एक्सपीरियंस है वो है 87 को, इनएक्सपीरियंस है वो है 400, तो इसका टोटल रहेगा 487। चलो अब फाइनल टोटल भी कर ही लो, 250 प्लस 87
यानी कि 337, 93,400 यानी कि 493, 343 प्लस 487 यानी कि 830 टोटल कर लिया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमन वॉज 1336। टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमन, तो टोटल वुमन तो यहां लिखा ही हुआ है, उसमें इनएक्सपीरियंस हो वो कितनी है, तो यहां 1336। एंड आउट ऑफ देम 136 वेर लेबर एरिया, तो उसमें से 136 है वो लेबर एरिया में है। जो आप देखो टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस, तो लेबर एरिया में 136, अदर में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, टोटल 1336 है। तो यहां डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा 1200। चलो आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल वुमन 1020 वेर अनमेरिड, टोटल वुमन है जिसमें से 1020 वेर अनमेरिड, तो टोटल अनमेरिड कितना हो जाएगा, ये अनमेरिड वाला कॉलम है जिसमें यहां टोटल में हम लिख सकते हैं 1020 अनमेरिड। अमंग देम द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम लेबर एरिया एंड फ्रॉम अदर एरिया 163 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। अनमेरिड में से लेबर एरिया में कितनी है, तो क्या एक्सपीरियंस वाली 163, अनएक्सपीरियंस हो ऐसी 14। चलो इसका टोटल कर लो तो कितना मिलेगा मुझे, 163 प्लस 14, आई एम सॉरी 163 लेबर एरिया में है, जो क्या लिखा हुआ है, अमंग द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमन लेबर एरिया एंड अदर एरिया, तो एक्सपीरियंस वाली तो 163 एंड 14 लेबर एंड अदर एरिया, इसका टोटल क्या रहेगा, इसका टोटल रहेगा 177। अब 1020 में से 177 को माइनस कर लो तो आपको आंसर मिलेगा यहां पे 843। अब आगे डिटेल अवेलेबल नहीं, लेकिन कैलकुलेशन कर सकते हैं किस तरह। अब देखो एक्सपीरियंस 137, इसका टोटल कर लो तो टोटल एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा, 337 प्लस 177 यानी कि यहां अमाउंट आपको मिलने वाली है 540। अगर आप इस अमाउंट में से माइनस भी कर लो, 1850 में से 1336 माइनस करोगे ना तो भी आपको ये मिल जाता। इसी तरह 1301 में से 1200 माइनस कर लो तो आपको यहां मिलेगा 101। 549 में से 136 को माइनस कर लो तो आपको मिलेगा यहां पे 413। चलो अब डिफरेंस ही काउंट करना है, जो टोटल 549 इसमें से टोटल 343 माइनस कर लो तो आपको मिलेगा डिफरेंस, वो लिखना है यहां पे 206। अब 206 में से 163 माइनस कर लो तो आपको यहां मिलेगा 43। फिर से बोल रहा हूं, इस 206 को मैंने कैसे काउंट किया, 549 में से 343 को माइनस किया 206, और 206 में से 163 माइनस कर लिया तो 43। फाइनली ये टोटल हमारे पास है 1301, दैट इज टोटल ऑफ अदर एरियाज एम्प्लॉय, तो उसमें 1301 है जिसमें से ये मैं माइनस कर लो 487। माइनस करके मुझे डिफरेंस कितना मिलेगा, डिफरेंस रहेगा वो लिखूंगा यहाँ पे 814। 814 में से 14 माइनस कर लो तो मिल जाएगा 800। क्वेश्चन प्रॉपर रीड करना है और जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो उसे टेबल में इनपुट करते जाओ, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में काउंट करना है तो आप देख सकते हैं इसी तरह का टेबल बनाकर आपको इंफॉर्मेशन पुट करनी है। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। थैंक यू।